औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज्अल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह नूर आयत नंबर 23 से हम पढ़ेंगे। अल्लाह करीम फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग जो यरमूना इल्ज़ाम लगाते हैं, अलमुहसनाती, पाक दामन खवातीन पर, अलगाफिलाती, जो बेखबर हैं, अलमुमिनाती, मोमिना हैं, लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत की लानत है उन पर। यानी कि पाक दामन औरतें जिन बेचारियों को पता भी नहीं, जैसे अम्मा आयशा, हमारी प्यारी अम्मा आयशा, उन बेचारी के गुमान में भी नहीं थी जो बात बन गई, सोचा भी नहीं होगा। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जब उनको पता चला होगा तो कितनी शॉक्ड हुई होंगी कि गुमान में भी नहीं है बात। कभी घर से नहीं निकली, कभी घर नहीं कोई आया, और फिर इस तरह की बात। तो इसीलिए अल्लाह का गाफिलात, मासूम बेचारी जिनको पता भी नहीं है, उन पर इल्जाम लगाते हैं, दुनिया और आखिरत की लानत है उन पर। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए अज़ाब अजीम है, बहुत बड़ा अज़ाब मिलेगा उन्हें। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, ये वो दिन होंगे जब उनके खिलाफ गवाही देंगी उनकी जुबानें, व अयदीहिम, उनके हाथ, व अर्जुलुहुम, उनके पाँव, बिमा कानू यामालून, उनके अमाल की वजह से। कि दुनिया में तो हो सकता है कोई किसी पर झूठा इल्जाम लगाकर सच्चा भी साबित कर दे। जैसे आप देखिए बलोचिस्तान में, सिंध में मार देते हैं कारी करके कि जी ये इसका भाइयों ने जदाद नहीं ना देनी होती, तो सबसे आसान हाल ये है, गैरत के नाम पर कत्ल कर देते। तो अंदरूने सिंध तो अभी भी, और अंदरूने बलोचिस्तान भी अभी तो इतना कानून नहीं स्ट्रिक्ट चल सकता। वो जहाँ जहाँ यानी उनके कबायली सिस्टम चल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है, वहां पुलिस की इतनी नहीं चलती, तो वो मार देते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह पाक कहते हैं कि दुनिया में तो तुम किसी पर जुल्म कर लो, आखिरत में तुम्हारी जुबानें तुम्हारे खिलाफ गवाहियां देंगी। यौमा इज़िन, ये वो दिन होगा, युवफ़ीहुमुल्लाहु, युवफ़ीहुमुल्लाहु, पूरा पूरा देगा अल्लाह उनको, दीनहुमुल हक़्क़ा, उनका हकीकी बदला। अल्लाह पाक कहते हैं क़यामत का दिन वो दिन होगा जब सबको उनका पूरा पूरा बदला मिलेगा हकीकतन। फ़यअलमूना, वो जान लेंगे, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ही है, हुवल हक़्क़ुल मुबीन, जो हक है, जो वाज़ेह कर देने वाला। अल खबीसातु लिल खबीसीना, खबीस मर्द खबीस औरतों के साथी हैं, वल खबीसूना, खबीस मर्द लिल खबीसाती, खबीस मर्दों खबीस औरतों के लिए है। इसका ये माना नहीं है जैसे हमारे लोग कहते हैं ना कि किसी बुरी औरत का किसी अच्छे मर्द से निकाह नहीं होता, किसी अच्छे मर्द का किसी बुरी औरत से निकाह नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा नहीं थी, थी ना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी। अल्लाह ने खुद कहा कि मोमिनों के लिए मिसाल है लूत और नूह की बीवी, के वो दो हमारे सवाले बंदों के जेर असर थी, मगर वो नाफरमान थी। और फिर अल्लाह कहते हैं हमारी मोमिनों के लिए मिसाल है दो खवातीन, आसिया और मरियम, के उनको सपोर्ट नहीं थी लेकिन वो मोमिना थी। तो आप देखिए कुरान की दलील से हमें ये पता चलता है कि दो नबियों की बीवियां जो थी वो नाफरमान थी, और भी किसी की होगी हमें नहीं पता, इन दो का हमें कुरान की दलील से पता है। और हम ये भी देखते हैं कि फिरौन जैसे जालिम और खबीस की बीवी हजरत आसिया जैसी खातून थी। तो ये कोई कैद नहीं है। यहाँ अल्लाह सिर्फ ये कह रहे हैं कि खबीस औरतें, खबीस बंदे एक दूसरे के साथी हैं, यानी एक दूसरे को नॉर्मली सपोर्ट करते। वत तो ये बात तो ये बीना, पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों की साथी हैं। वत तो ये बोना लित तो ये बात, पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के साथी हैं। यानी कि अगर एक पाकीज़ा मर्द को या औरत को मौका मिले चूज करने का, तो अपने लिए पाकीज़ा इंसान को ही चुनेगा ना। इल्ला ये कि कोई जो है तो आप जानते हैं कि हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा जो थी, उनकी शादी फिरौन जैसे जालिम से हुई और वो उसी की बीवी रही सारी उम्र। फिर जब वो मुसलमान हो गई तो उन पर तशद्दुद करता रहा, यहाँ तक कि उन्होंने शहादत पाई। तो लिहाजा ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है तो किसी अच्छी औरत का निकाह किसी बुरे मर्द के साथ हो सकता है, किसी बुरी औरत का निकाह किसी अच्छे मर्द के साथ हो सकता है। ये जिंदगी में मामलात बाजों का हो जाते हैं। हाँ, ऐसा है कि एक अच्छी औरत एक बुरे मर्द को चुनेगी नहीं, है ना, खुद से नहीं चुनेगी। हाँ, बाजों का धोखे हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं, लोग कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, बाजों का पता नहीं होता, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो तकदीर में किसी की भी आजमाइश हो सकती है। लिहाजा बाजों का ऐसा होता है कि किसी बच्ची या बच्चे की शादी हुई, वो अच्छा नहीं निकला पार्टनर, तो लोग कहते हैं लो जी अल्लाह ने तो क्या है, बुरे दे बुरे नु बुरा तो चंगे नु चंगा मिलता है। नहीं, अल्लाह ने कुछ ऐसा नहीं कहा। किसी की शादी किसी से भी हो सकती है, ये सिलेक्शन हम खुद करते हैं। तो लिहाजा इसका माना ये है कि अगर चॉइस मिल जाए तो बुरे मर्द बुरे औरतों के साथी हैं, बुरी औरतें बुरे मर्दों की साथी हैं, अच्छे मर्द अच्छी औरतों के साथी हैं, अच्छी औरतें अच्छे मर्दों की साथी हैं। इट इज ऑल अबाउट द चॉइस। उलाइका मुबर्राउन मिम्मा यकूलून, यही लोग पाक हैं उनसे जो वो कहते हैं। यानी के जो पाक दामन लोग हैं ना, वो घटिया लोगों की बातों से बरी है। अच्छा, इसमें एक और बात यूं भी समझ लें कि यानी कि लोगों का मिजाज होता है ना, जैसे बदमिजाज मर्द और औरतें जो हैं अफवाहें फैलाते हैं, तो इस अफवाह में हिस्सा लिया मर्दों ने, कुछ औरतों ने। तो अब ये बात हुई कि जी ये बात कर रही हैं औरतें, ये बात कर रहे हैं मर्द, तो औरतें भी गलत मर्द भी गलत, तुम सही टाइप की बातें हुई। तो ये उस पर भी बात है कि अल्लाह पाक कहते हैं कि जो पाक दामन लोग हैं वो कुफार की इन बातों से बरी है, उन पर कोई जिम्मा नहीं है कुफार की इन बातों का, वो जो कहते हैं कहते हैं। जैसे आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में बात हुई है, तो औरतों ने, मुनाफिक औरतों ने औरतों में बैठकर बातें बनाई और मर्दों ने मर्दों में बैठकर बातें बनाई। अब मर्दों की बातें तो ज्यादा रिकॉर्ड पर आई क्योंकि उन्होंने अहादीस बयान की, खवातीन ने चूंकि बयान नहीं की तो बातें ज्यादा रिकॉर्ड पर नहीं आई। तो अल्लाह पाक ये कह रहे हैं कि ये एक दूसरे के साथी हैं, ये प्रोपोगेशन करने में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो तुम ये मत सोचो कि यानी औरत है तो सही कह रही होगी। अलबत्ता जो मोमिन है वो उन बातों से पाक है जो वो उनके बारे में कहते हैं। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, ऐसे ही मोमिनों के लिए मग़फ़िरत है और इज्जत की रोजी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तदखुलू बयूतन, तुम ना दाखिल होना घरों में, गैरा बयूतिकुम, मगर अपने घरों के सिवा, हत्ता तस्तानिसू, यहाँ तक कि तुम मानूस हो जाओ, तुसल्लिमू, सलाम भेजो, अला अहलिहा, वहां के रहने वालों पर। अपने घर के सिवा किसी के घर में बिला इजाजत दाखिल मत हो जब तक तुम घर वालों से इजाजत ना ले लो और उन्हें सलाम ना करो। यानी कि सलाम कहें, अगले इजाजत दे तो घर में जाएं। बाजों का अगला इजाजत नहीं देता तो मत जाएं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ तो दरवाजे हैं ना, नॉर्मली कोई जा नहीं सकता बिला इजाजत, तो हमें पूरी तरह समझ नहीं आती। उस जमाने में दरवाजे दरूजे कोई नहीं इतने होते थे, पर्दे लगे हुए होते थे, पर्दा हटाया अंदर दाखिल हो गए। पहले तो पर्दे भी नहीं थे, इस्लाम से पहले पर्दे भी मुसलमानों ने राइज किए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। तो देहातों वाला सिस्टम था, कच्चे घर थे, तो घरों में ऐसे ही बिला तकल्लुफ आते जाते थे। तो अल्लाह पाक ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं करना, इजाजत लो फिर जाओ। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे हक में अच्छा है। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत कबूल करो। इजाजत लेकर जाने में बज़ाहिर तो एक रुकावट है ना, लेकिन अल्लाह कहती तुम्हारे हक में अच्छा है। फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा अहदन, अगर घर में किसी को ना पाओ, फला तदखुलूहा, तो ना दाखिल हो इनमें, हत्ता यूज़नु लकुम, जब तक तुम्हें इजाजत ना दी जाए। अगर तुम किसी के घर जाओ और कोई दरवाजा खोलने ना आए, कोई इजाजत देने ना आए, तो तुम दाखिल मत हो। व इनकी ललकुम मुरजिउ, अगर तुम्हें कहा जाए वापस लौट जाओ, फरजिउ, तो वापस लौट जाओ। हुआ इसका लकुम, वो तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा तरीका है। यानी कि अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई कहे कि भाई अभी ना आए तो वापस चले जाओ, या कोई जवाब ना दे तो भी वापस चले जाओ। हमारे यहाँ किसी को कह कर तो देखो, फिर देखो जो वो लड़ते हैं तुमसे, क्योंकि हमारे अंदर इस्लाम का कोई हुक्म बाकी नहीं बचा, कोई अखलाकी बाकी नहीं। हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर गए, सलाम किया, एक बार जवाब नहीं आया, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर आप पलट गए, क्योंकि 3 बार का ही हुक्म है। तो आप वापस पलट गए, तो वो भागे आए सहाबी, वो कहने लगे अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके सलाम सुना और मैंने हर दफा जवाब भी दिया, लेकिन आहिस्ता आवाज में दिया। मैं चाहता था आपकी जुबान से ज्यादा सलामती मेरे घर वालों पर मुझ पर आए तो आप वापस चले। लेकिन आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखें कि आपने ये मुँह नहीं बनाया कि मैं नबी यहाँ पे बेखो है, बाद नहीं आया, यानी जवाब नहीं देता, आप वापस पलट गए। कोई किसी भी हाल में हो सकता है जिस पर वो ना चाहता मुतला हो। तो इस वजह से अल्लाह ने कहा कि अगर आपको कहा जाए वापस चले जाओ, चले जाओ। यहाँ पर तो आप किसी को ही कह देना कि आज आप ना आए कल आ जाए, खाली इतना, क्योंकि हम एक दूसरे को इजाजत नहीं देते, हम इन्फॉर्म करते हैं हम आ रहे हैं। अगर अगला कह दे कि भाई आप कल आ जाए तो रहन दे, असी जाना ही नहीं, उन्हें मना कर देता। और ये नहीं, मुझे तो एक दो दफा ऐसा हुआ कि हम घर से निकल चुके थे, किसी का फोन आया तो हम आ रहे हैं, तो भाई हम निकल आए हैं वापस आ जाओ। भाई क्या मतलब है, आपका प्रोग्राम है अगले का प्रोग्राम नहीं है, और वैसे भी कोई तरीका है। लेकिन आप ना आए तो बस फिर लड़ाई है, फिर आपको मजबूर होकर बात सुननी पड़ती है, माननी पड़ती है लड़ाई से बचने के लिए। मगर आप देखें ना कि हम कितने बदअखलाक हैं। और देखिए हमारा रब कितना प्यारा फरमा रहे हैं, वह इनकी लला कुमरजू फरजू हुआ इसका लकुम, तुम्हें कहा जाए वापस चले जाओ तो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए बड़ी पाकीज़ा बात है। तब तो मोबाइल भी नहीं होते थे कि पूछ ले, अब तो मोबाइल है, अब तो फोन करके पूछ ले कि आप अवेलेबल है हम आ जाए। मगर हम, मैंने कहा ना, इजाजत नहीं देते, हम तो इन्फॉर्म करते हैं हम आ रहे हैं डंडे के जोर पे। और अगर अगला ये कह दे कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो फिर तुसी रहन दे हो, तुसी बड़े मसरूफ लोग हो। अभी वो जो तो बहरहाल ये देख लें हमारे अखलाक इस्लाम से कितने दूर हो गए हैं, ये रोजमर्रा के अखलाक है। और मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं कि अपने घरों में भी एक दूसरे के कमरों में इजाजत देकर जाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने घर में भी जाओ, तो जब तुम घर में और फर्द रहते हैं तो फिर इजाजत लेकर जाओ। तो एक सहाबी ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी अम्मी रहते हैं, तो मैं इजाजत लेकर मैं भी जाऊँ। आपने कहा क्या तुम अपनी वालिदा को किसी नापसंदीदा हाल में देखना पसंद करोगे? उन्होंने कहा नहीं। तो आपने कहा फिर इजाजत लेकर जाओ। तो अब घर बड़े हैं, उस जमाने में घर छोटे थे, अब हमारे कमरे हैं। तो जो कमरे हैं, जो बेडरूम्स हैं, देखिए लाजमी बात है कि अगर मैं लिविंग रूम में बैठी हूँ तो दुपट्टा शपट्टा लेकर प्रॉपर बैठूंगी, लेकिन मैं अपने बेडरूम में किसी भी हाल में हो सकती हूँ। दुपट्टा उतारा हो सकता है, लेटे हो सकते हैं। गर्मी में इंसान इवन एक्स्ट्रा कपड़े भी समटाइम ज्यादा गर्मी में उतार देता है। तो इवन औलादों को भी ये हुक्म है जब वो बालिग हो जाएं कि बेडरूम में जब आए तो इजाजत लेकर। अच्छा, इसके अंदर एक और गलती जो मैंने बहुत लोगों की देखी है और बड़े पढ़े लिखे लोगों की देखी है, ठक ठक करेंगे दरवाजे पर, अंदर आ जाएंगे। तो भाई अगले को यस कहने का मौका तो दो, यानी कि आपने दरवाजा बजाया, लेट्स सपोज मैंने दुपट्टा शुपट्टा उतारा हुआ है, तो मुझे लेने के लिए 2 मिनट तो चाहिए ना, या मैं लेटी हूँ मुझे उठने का मौका तो दो। नहीं, वो ठक ठक करेंगे और अंदर आ जाएंगे और कहेंगे हम तो इजाजत नहीं कराए। भाई इजाजत तब मिलेगी जब मैं कहूंगी आ जाओ, हो सकता है मैं कहूँ मत आओ, फिर कुछ भी हो सकता है। इंसान जैसे दवाई लगाने बैठा हो सकता है, कुछ भी करता हो सकता है भाई। तो ठक ठक करने के बाद वेट अंटिल यू विल रिसीव द आंसर, आ जाओ। और अगर ये आंसर ना मिले तो ना आओ, बड़ी मेहरबानी, वापस चले जाओ। अल्लाह हमें हिदायत अता करे। वल्लाहु बिमा तामलूना अलीम, बेशक तुम जो कुछ करते हो अल्लाह वाकिफ है। आज ये सारे अखलाक ना गैर मुस्लिमों में है, वहां पर ये कि भाई प्राइवेसी है ना, वो ये जुमला कहते हैं किसी के कमरे में बिला इजाजत ना जाओ, प्राइवेसी है। ये सब तो इस्लाम ने सिखाया था, ये तो इस्लाम ने बताया था। मगर आज बदकिस्मती से हम ये सब कुछ भूल गए, बिल्कुल जाहिल गवार हुए बैठे हैं। और फिर हम एक दूसरे पे शक करते हैं, यानी कि ये मुतल्लक बातें कर रहा था, ये कर रहा था। अच्छा खासा बैठी हुई है खातून, ऊपर से शोहर आ गया, फर्ज करो मिजाज उसका बुरा है, लड़ाका है, वो ड्रामा देख रही, उसने बंद कर दिया, शोहर की करनी भी इसे, है ना। इस तरह की फजूल बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें इस तरह के सरप्राइज देने से भी मना किया। जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, गजवे से वापस आ रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे, तेज ऊँट उनका ना कि आपके भी आगे आगे निकले जा रहे थे। आपने कहा जाबर किस वजह से इतनी जल्दी में हूँ? तो कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नई नई शादी हुई थी, तो फिर मैं रसोई पे चला गया, तो मैं घर जल्दी जाना चाहता हूँ। झूठ नहीं बोला, हम तो इन चीजों को बड़ा बुरा समझते हैं ना, ये देखिए, हम तो ऐसे मौके पर कहते हैं अच्छा तेन बड़ी आगे लगी हुई है, अस्तगफिरुल्लाह, हमारा ज़हन खराब है। आप मुस्कुराए, लेकिन आपने कहा कि जाबर अभी नहीं, अभी हम स्टे करेंगे, उसके बाद घर जाइएगा। औरतों को मौका दो, जिन्होंने बाल साफ करने हैं वो बाल साफ कर लें, जिन्होंने चोटियां गूंदनी है वो चोटियां गूंद लें, जिन्होंने नहाना है वो पाक हो ले। मतलब ये था कि मर्द गए हुए थे ना, तो जरा उस जमाने में हमारी तरह तो थोड़ी था कि रोज नहा रहे हैं, शैम्पू है। उस जमाने में तो बाल एक दफा बनाए तो फिर अब हफ्ता हफ्ता निकालते थे, क्योंकि ना साबुन था ना शैम्पू थे, ये वाली सहूलतें कहाँ थी। तो आपने कहा कि औरतों को सरप्राइज नहीं देना, रुक जाओ, हम शहर के बाहर कयाम करेंगे, हवातीन को इतला मिल जाएगी लश्कर पहुंचने वाला है, तो जिसका जो काम बाकी है पेंडिंग है वो कर ले, और उसको इतला मिल जाए कि शोहर आ गए। इस हद तक हमें एक दूसरे के हकूक बताए गए। यहाँ तो हम पता नहीं क्या करते हैं, एक दूसरे के घरों पे छापे मारते हैं और फिर कहते हैं उसे घर से बोर्ची हना भरिया होया सी भांडिया दे नाल, उन्होंने तो इन्ना तरीका नहीं सफाई कर लेंदी, सुत्ती हुई सी। भाई आपको कौन कहते जाके इंस्पेक्टर बने और इंस्पेक्शन करे। एक दूसरे की अलमारियां खोल खोल के चेक करते हैं। कुछ दिन पहले एक बच्ची आई मेरे पास, परेशान थी, साथ उसकी वालिदा भी थी, तो मुझे इतनी हंसी आई। तो वो कहने लगी कि जी इसकी सास कहती है इसको कोई सलीका नहीं है, जो पैक पड़े बर्तन है ये उनको खोल कर भी साफ नहीं करती। तो मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा जो बर्तन पैक पड़े उनको कौन साफ करता है। तो बात ये है कि यानी कि पैक पड़े बर्तन भी खोल कर चेक कर रहे हैं आप दूसरों का सलीका चेक करने के लिए। तो हम लोग पता नहीं कब दिन से इतने दूर आ गए, इतने बिगाड़ का शिकार हो गए। अल्लाह हम पे रहम करते। लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम पर कुछ गुनाह नहीं। अंतदखुलू, दाखिल हो जाओ, बैतन घरों में, गैर मस्कूनतिन फीहा, जिसमें कोई नहीं रहता, मताउल्लकुम, तुम्हारा सामान रखा है, गोडाउन वगैरह। अल्लाह कहते हैं कि ऐसा घर जिसमें रिहाइश नहीं है और तुम्हारा सामान है, वहां तुम बिना इजाजत जा सकते हो। यानी कि कोई गोदाम है, कोई आपने ले रखा है जगह, कोई कमरा ले रखा है, वहां सामान रखा हुआ है, कोई नहीं रहता, तो जाहिर है वहां इजाजत की जरूरत नहीं है, आप बिना इजाजत जाए अपना सामान ले और घरों को आ जाए। इट इज अलाउड। वल्लाहु यालमु मा तुबदूना व मा तक्तुमून, जो तुम दिखाते हो जो छुपाते हो अल्लाह सब जानता है। कुल लिल मुमिनीना, मोमिन मर्दों से कह दो, यगुज़्ज़ू अब अपनी नजरें झुका कर रखें, वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए ज्यादा पाक बात है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यसनाऊन, बेशक अल्लाह जानता है जो वो करते हैं। हमारे यहाँ तो अजीब अजीब बातें कहते हैं ना, मर्द नाते घोड़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सिर्फ जाहिलाना बातें हैं जो हिंदुओं के जेर असर हम लोगों ने सीख ली हैं। इस्लाम बिल्कुल ये नहीं कहता, पहले हुक्म मर्दों को मिला है, नजरें झुकाएं, औरतों को ताड़ा मत करें, और शर्मगाहों की हिफाजत करें, नाजायज फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएं। तो ये उनके लिए अच्छा है। और आप देखें हमारे सामने तो मिसाल है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, हमारे सामने मिसाल है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी बीवियां बताती हैं कि सारी उम्र आपने किसी नामहरम औरत को छुआ तक नहीं। तो ये बहुत ही घटिया और बेकार बातें हैं। मर्दों पर भी अपनी आंखों की और शर्मगाह की हिफाजत उतनी फर्ज है जितनी मुसलमान औरतों पर। वकुल लिल मुमिनाती, मोमिना औरतों से कह दीजिए, या यगज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी नजरें झुकाएं, व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। औरतों पर भी सिमिलर फर्ज है। अब अजीब अजीब मसले हैं ना, एक तरफ तो मर्द हजरात के बारे में ये गलत फहमियां हैं, और दूसरी तरफ अब लड़कियां कहती हैं यानी कि इस पर बड़ी बातें बनाई गई हैं कि हम क्यों पर्दा करें, अल्लाह ने मर्दों को नजरें झुकाने का हुक्म दिया है। नहीं जी, दोनों बातें साथ साथ। औरतों को पर्दे का हुक्म भी अल्लाह ने ही दिया, वो किसी और ने नहीं दिया, लिहाजा ये कोई दलील नहीं है। मर्दों को भी नजरें झुकानी है, औरतों को भी नजरें झुकानी है, अपनी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत भी करनी है। और मर्दों को अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नहीं दिया और औरतों को दिया। पर्दे का हुक्म उस माने में नहीं है, मर्दों की भी हदूदों का यूद है, ऐसा नहीं है वो बेवकूफ होकर फिरेंगे, लेकिन मतलब ये है कि दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पर। अल्लाह के दीन का मजाक नहीं बनेगा, अल्लाह के अहकाम को गलत मकासद के लिए यूज नहीं किया जाएगा। वह यकफजना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यानी कि नाजायज रिलेशनशिप ख़वातीन भी कायम ना करें। तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं चलेगा इस्लाम में। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत जाहिर ना करें, यानी कि जो मेकअप किया हो, जो कपड़े पहने हो, तैयार हुए हों, वो नजर नहीं आने चाहिए। ना महरमों को, घर के अंदर आपके महरम है तो कोई मसला नहीं, अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो फिर आप चले कपड़ों की हद तक तो ठीक है मुनासिब हद तक। टाइट कपड़े ना पहने, खुले कपड़े पहने, खुद को कवर करके रखें, और मेकअप वगैरह आपका, आपके जेवरात की नजर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सब आपके महरम नहीं है, देवर वगैरह महरम नहीं है। और घर से बाहर जाएं तो कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हम औरतों का सतर क्या है नामहरमों में? आपने फरमाया सर से पैर तक, पैर भी कवर होंगे। तो घर से बाहर निकले तो अल्लाह ने जैसा कि कहा, इंशाल्लाह आ जाएगा आगे, जिलबाब ओढ़कर निकले, चादरें क्या अबाए ओढ़कर निकले। तो वो जीनत जो हमने कर रखी है जाहिर नहीं होनी चाहिए, यानी कि ड्रेस फिटिंग में पहना है, जिस्म की बनावट जाहिर नहीं होनी चाहिए, जेवर जाहिर ना हो, जो मेकअप कर रखा है वो नजर ना आए। तो फिर वही बात है ना, सर से पैर तक खुद को छुपाना है। इल्ला मा ज़ाहरा मिन्हा, सिवाय उसके जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए। जैसे कोई मोटा है, पतला है, तो वो पता चल जाता है, वो आप नहीं छुपा सकते, आप जितना भी अबाया पहने। कोई लंबी है खातून, छोटी है, तो वो भी पता लग जाता है। उम्र का भी अंदाजा हो ही जाता है, चाल से पता चल जाता है ना, बॉडी से पता चल जाता है। तो इस वजह से ये वो चीजें हैं जो छुपाई नहीं जा सकती, इनकी इजाजत है। लेकिन बाकी जो सब छुप सकता है वो छुपाया जाएगा। वल्यदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, उन्हें चाहिए अपनी ओढ़नी अपने गिरेबानों पर डालने। अच्छा, अरबों में ना यूरोप का फैशन था वैसे ही जैसा आजकल है। जैसे आजकल सबसे आम लिबास क्या है बच्चियों का? शलवारें कमीजें या के कुर्ते वगैरह, नीचे ट्राउजर या वो पहन लेती है और ऊपर दुपट्टे नहीं है ना। ये देखा देखी, ये देखते देखते शुरू हुआ, ये पिछले 10-11 सालों में शुरू हुआ है। फर्स्ट टाइम मुझे याद है जब मेरे बेटे अहमद से की शादी थी ना, तो मैंने कहा कि मैं 1-2 रेडीमेड सूट ले लूँ। तो मैं गई और मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि दुपट्टे नहीं है शलवारों कमीजों के साथ। तो मैंने उनसे कहा दुपट्टे क्यों नहीं है? तो कहते हैं जी वो लोग लेते नहीं है, तो हम नहीं रखते। हाँ, हमारे पास स्ट्रॉलर वगैरह है, आप चाहे तो मैच कर सकते हैं। तो आप देखिए कि एक गिरोह तो वो है ना जो पहनते ही जीन्स शर्ट और टाइट्स है, नहीं, दूसरे वो है जो बावकाब लिबास पहनते हैं, यानी कि जी वो कहते हैं जी हम शलवार कमीज पहनते हैं, हम कुर्ते पहनते हैं, बच्चियों को नीचे वो पहना देती हैं जीन्सें या फिर टाइट्स, और ऊपर जो है ना लंबे खुले कुर्ते पहना देती हैं, लेकिन साथ दुपट्टा ना डालूं। ये हमारे यहाँ पर बेहतर लिबास है। और इससे नीचे वाला लिबास वो है कि टाइट्स और जीन्सें पहनकर ऊपर टॉप पहने हुए, तो सीने नुमायां हैं, बाल खुले हैं, और उसके साथ घूम रहे हैं बाजारों में, दावते नजारा देती हुई। भाई इस तरह बन ठन कर निकलेंगे तो सारे देखेंगे। तो यही अल्लाह पाक ने कहा, उस जमाने में भी ये चीज फैशन में थी, तो इसलिए अल्लाह पाक ने कहा कि जब निकलो तो अपनी ओढ़नी अपने सीनों पर फैला लिया करो। वला युबदीना जीनतहुन्ना, ना अपनी जीनत जाहिर करो, अपना मेकअप वगैरह शो मत करो। इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर ये कि अपने शोहरों पर जो मेकअप किया है, जो तैयारी की है, वो किसके लिए होनी चाहिए? मियाँ के लिए। मुझे ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बताना है, कितनी बार शोहरों के लिए तैयार होते हो, या फंक्शन पर जाने के लिए तैयार होते हैं, या बाजार जाने के लिए तैयार होते हैं, मियों के सामने तो मासियां बन के फिरते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह कहते हैं शोहरों के लिए तैयार हो। आबाइन, अच्छा, शोहरों को भी बीवियों के लिए तैयार होना चाहिए, उनको भी जो है ना बाबा बन के नहीं घूमना चाहिए, सारे शोहरों को नौकर बन के नहीं फिरना चाहिए। घरों में बाहर पहन के जाएंगे अच्छे हाथ से कपड़े, और घर में आके ना फटे हुए कपड़े पहन लेंगे। तो वो भी, बीवियों का भी दिल करता है कि उनके शोहर अच्छे इंसान नजर आए, खूबसूरत नजर आए। अगले दिन हम हंस रहे थे, मेरे मियाँ ने जाना था शादी पर, तो तैयार श्यार हुए खूब, तो सूट पहना। तो मेरी पोती कहती, दादा आप अच्छे कपड़ों में कितने अच्छे लगते हैं। तो मुझे हंसी आ गई, मैं कहा देख ले, अब तो बच्चों की गवाही आ गई, अब तो खौफे खुदा करे। तो ये भी गलत तरीका है। अच्छा जी, ओ आबाई हिन्ना, या अपने बापों के सामने, ओ आबाई बबूलती हुन्ना, या अपने शोहरों के बापों यानी के ससुर के सामने, अबनाई हिन्ना, बेटों के सामने, ओ अबनाई बबूलती हिन्ना, या शोहरों के बेटों के सामने, यानी कि जो आपके सुतेले बेटे, हमारी जुबान में, ओ इखवानी हिन्ना या फिर अपने भाइयों के सामने, ओ बनी इखवानी हिन्ना या फिर अपने भतीजों के सामने, ओ बनी अखवाती हिन्ना या फिर अपने भांजों के सामने, ओ निसाई हिन्ना या फिर तुम्हारी अपनी औरतें। ये असल में जो रिश्ते हैं इनके सामने आप अपनी नॉर्मल जीनत के जैसे लिपस्टिक लगाई हुई है, मेकअप किया हुआ है, इनके आपके हाथ खुले हैं, आपका चेहरा खुला है, कोई हरज नहीं है। जैसे नॉर्मल सर पे हम लेते हैं दुपट्टा लिया हुआ है और आपने कोई मेकअप कर रखा है कुछ, तो कोई हरज नहीं, आपके महरम है, आप कर सकते हैं। औमा मलकत ऐमानुहुन्ना या फिर वो जो तुम्हारे गुलाम है, गुलाम के सामने जो एक दो आपके गुलाम हो, गुलाम के सामने आप पर्दा तक कर सकते हैं। लिहाजा मौलाए हुज़ैफा हजरत सालिम रजी अल्लाह तआला अन्हु थे ना, तो गुलाम थे, तो अम्मा आयशा उनसे पर्दा नहीं करती थी, तो वो आए तो मिठाई लेकर आए अम्मा के लिए। अम्मा ने कहा बेटे किस चीज़ की है? कहने लगे अम्मा मैंने मुकातबत कर ली, मैं आज़ाद हो गया। अम्मा ने कहा बेटे अल्लाह तुम्हें बरकत दे, और कहते उठकर पर्दे में चले गए। उसके बाद मैंने अम्मा को कभी नहीं देखा, आज़ाद हो गए ना उस दिन। तो कहते हैं अम्मा ने मुझे कहा बेटे अल्लाह तुम्हें बरकत दे, और उठकर पर्दे में चली गई। कहते हैं उस दिन के बाद मैंने अम्मा को नहीं देखा। तो गुलाम से पर्दा नहीं है लेकिन मुलाजम से है, मुलाजम आज़ाद है ना। मुझे मेरी बहन फिरदौस जो है वो मुझे कहने लगी मुलाजमा से किस बात का पर्दा? मैंने कहा नहीं जो गुलाम से नहीं है, ये तो आज़ाद लोग हैं, आज आए कल गए, इनकी बात नहीं हो रही। अभी ताबीना गैरी उलिल इरबती या फिर वो मिनत जाली, वो मर्द जो हाजत ना रखते हो, यानी इम्पोर्टेंट। बाद ऐसे मर्द होते हैं ना कि जिनमें होते वो मर्द हैं मगर उनमें औरतों की रगबत नहीं होती, वो शादियां भी नहीं करते, वो कहते नहीं हमें नहीं किसी के साथ रिश्ता बनाना, उसको कहते हैं इम्पोर्टेंट होना, ना मर्द होना, होते वो पूरे मर्द हैं। तो अल्लाह कहते हैं अगर कोई इम्पोर्टेंट हो, पक्का आपको पता है कोई इम्पोर्टेंट है, तो आप उससे पर्दा ना करें, इट्स ओके। अब तिफी या बच्चे अल्लज़ीना लम यज़हरू जिन पर अभी जाहिर नहीं हुए अला औरत निसाई औरतों की पोशीदा बातें, या वो बच्चे जिन पर औरतों की पोशीदा बातें अभी नहीं खुली, छोटे बच्चे जो भी बालिग नहीं है। जब बच्चे बालिग हो जाएंगे तो पर्दा होगा, फिर ये नहीं होगा कहते साढ़े हाथ हज पल लेंगे, हम पल रहे ना पावे जितने मर्जी आप पल लेंगे। भला या ना भी अर्जुली हिन्ना ना अपने पैर जोर से जमीन पर मारो, ली यू लमामा युखफी न मिन जीनत हिन्ना कि तुम्हारी पोशीदा जीनत को जान लिया जाए, यानी के एड़ियां मार मार के, वो कहते ना अड्डी मारा के झांझर लैंदी टाइप, वो जी जोर जोर से पैर मारकर मुतवज्जो करते थे ना। जैसे अभी बच्चों को भी आप देखें, कभी आप उनको नजरअंदाज कर रहे हो ना, डांट डूट कर, छोटे बच्चे मासूम होते हैं, तो फिर जोर जोर से पैर मारकर चलेंगे कि माँ देखे मुझे पलट कर, बाप देखे मुझे पलट कर। तवज्जो का एक तरीका है। अब इन्होंने इस चीज में ना जिद्दत पैदा कर दी, हील वाली जूती टका टक है ना, तो वो दूर से पता चलता है औरत आ रही है। तो कोई भी बजने वाली ऐसी चीज पहनना मना है, कोई भी आपके दुपट्टों पे लगने वाले ट्विस्टर हो अगर वो छन छन करते हैं, कोई ऐसा आपके यहाँ चूड़ियां हैं, नॉर्मल चूड़ियां छन छन नहीं करती, मुंगरू शंगरू लगे हो तो करती हैं, तो वो हो, या और कोई भी ऐसी चीज हो, या फिर एड़ी वाला जूता टकाटक हो। तो एड़ी वाले जूते का तो मैं अक्सर अर्ज करती हूँ कि नीचे थोड़ा सा ना वो लगा लें कारपेट का पीस या जम्बो लॉन का पीस, तो वो पता है क्या है, स्लिप भी नहीं करेगा और आपकी टकाटक भी रुक जाएगी। वतूबू इलल्लाहि जमीअन सब मिलकर अल्लाह की तरफ तौबा करो, अय्युहल मुमिनून ऐ ईमान वालो लअल्लकुम तुफ्लिहून ताकि तुम फलाह पाओ। यानी कि ये जो वाकया पेश आया इसमें सभी से कोई ना कोई खता हुई, तो अल्लाह पाक कहते हैं अब सब इस्तिगफार करो। और वैसे भी जो मुआशरे में गलतियां हैं वो इज्तमाई है, जैसे अभी ये जो बच्चियों में बेराह रवी है इसका जिम्मेदार हम सब है कहीं ना कहीं, बच्चियों और बच्चों में, बच्चियां कहना ज्यादती होगी, हमारी यूथ कहना चाहिए, उसमें जो खराबी है उसमें हम सभी का कोई ना कोई हिस्सा है, कहीं ना कहीं हम सब ने हिस्सा डाला। तो फिर हम सबको इस्तिगफार करनी चाहिए ताकि अल्लाह हमें माफ कर दे, और इसके सही करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए और हमारे मसाइल हल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल इंशाअल्लाह यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। That's right.